सुशांत सिंह आत्महत्या केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आत्महत्या के मामले में की जांच में अब फिलहाल सीबीआई जुट चुकी है। एफआईआर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल किया गया है। रिया चक्रवर्ती के करीबियों पर भी सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसा है। एफआईआर में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम भी लिखा गया है। सीबीआई ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की है। अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। सीबीआई के हाथों में केस जा चुका है। अब सीबीआई जो है वो नए सिरे से जांच करेगी। जिस तरीके से सुशांत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई थी, बिहार पुलिस जो है मुंबई पहुंचती है जांच करने के लिए, जो मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद पिता के ही कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री ने अनुशंसा की थी और फिर सीबीआई जो है जांच सीबीआई को केंद्र सरकार ने सौंप दी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने एसआईटी गठित कर दी है। मनोज शशिधर की अगुवाई में मामले की जांच जो है वो की जाएगी। डीआईजी गगनदीप सिंह जांच की निगरानी जो है वो करेंगे।